आज हम बात करेंगे जलियांवाला हत्याकांड के ऊपर और साथ साथ में उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे जो कड़ी हमने कल छोड़ दी थी क्लास के अंत में, उसी कड़ी को हम आगे को ले जाते हुए बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये आएगी, हेडिंग दे देता हूँ मैं, जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, अब इस हत्याकांड के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका परिचय देखेंगे कि किस तरह से ये घटना हुई और घटना समझेंगे, घटना के बाद में प्रतिक्रियाएं देखेंगे, घटना के बाद आप यूँ कहिए कि प्रतिक्रियाएं क्या हुई ये देखेंगे, प्रतिक्रियाओं में हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया और भारत की तरफ से क्या हुआ। भारत उस समय एक प्रकार से कांग्रेस कह सकते हो आप, क्योंकि भारतीयों का प्रतिनिधित्व उस समय कांग्रेस कर रही थी, ये देखेंगे हम। फिर ब्रिटिश सरकार की तरफ से क्या हुआ उसमें हंटर कमेटी आ जाएगी, और भारत की तरफ से क्या हुआ उसमें तहकीकात समिति आ जाएगी, और इन सब के परिणाम स्वरूप खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स आज हम समझने वाले हैं जलियांवाला हत्याकांड के अंदर। अब सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं, और इस परिचय को हम ऐसे समझेंगे, सबसे पहले देखिए सबसे पहली चीज, एक सेकेंड, सबसे पहली बात कि जब सत्याग्रह सभा का कार्यक्रम तय किया गया और भारत भर में रोलेट कानूनों के विरोध में, प्रस्तावित कानूनों के विरोध में एक प्रकार से आप यूँ कहिए कि विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, तो इस क्रम में बम्बई में हुए, कलकत्ता में हुए, लाहौर में हुए, पंजाब में हुए, विभिन्न प्रांतों में हुए थे, तो ये सारे के सारे प्रदर्शन हर स्थान पे चल रहे थे, पंजाब में कुछ ज़्यादा उग्र हो गए थे। तो यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये हुई कि 30 मार्च को पंजाब के अंदर या अमृतसर में यूँ कहिए कि 30,000 लोगों की रैली हुई, 6 अप्रैल को वापस 7 दिन बाद में 50,000 लोगों की रैली हुई। तो ब्रिटिश सरकार उस समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो आपके माइकल ओ डायर थे, और अमृतसर का जो भी नेतृत्व था वो जनरल रिक्स डैग एडमंड हैरी डायर के पास में था, R.E.H. डायर के पास में था। तो इनको ऐसा लग गया था कि जिस तरह से जिस संख्या में पब्लिक एकत्रित हो रही है उससे इनको लग गया था कि यह मामला काफ़ी एक प्रकार से आक्रामक हो सकता है अगर हम पहले से इसको कंट्रोल करने के प्रयास नहीं करेंगे तो, क्योंकि 50,000 की गैदरिंग होना कोई छोटा कार्य नहीं है। तो 6 तारीख को कुछ प्रतिबंध लगाए, उससे 2 दिन पहले सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के भाषणों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो सरकार अपने स्तर पर दमन करने का पहले से ही, आप यूँ कहिए कि आंदोलन को शुरू होने से पहले ही दबाने के पूरे प्रयास कर रही थी, और इधर आंदोलनकारी भी कम नहीं थे, आंदोलनकारी अपने आंदोलन को और बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते थे। तो 6 तारीख की जब मीटिंग हुई उसमें अंग्रेज़ों ने सोचा था कि भाई, क्योंकि 30 को जब मीटिंग हुई थी ना उस समय पंजाब की सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रतिबंध लगा दिए थे, अच्छे खासे प्रतिबंध, तो पंजाब की गवर्नमेंट को ये था कि डायर को ये था कि इतनी ज़्यादा पब्लिक 6 तारीख को नहीं आएगी, क्योंकि 30 तारीख के बाद से इन्होंने देखो 3 तारीख को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के भाषण पर प्रतिबंध लगा लिया था, तो कई सारे प्रतिबंध पहले इन्होंने लागू कर दिए थे, इम्पोज कर दिए थे 30 मार्च के बाद से ही। तो इनको ये था कि 6 अप्रैल को जो भी मीटिंग होने वाली है उसमें इतनी गैदरिंग नहीं आएगी, कम गैदरिंग होगी तो फिर हम थोड़ा और उसको टाइट करेंगे तो पंजाब शांत रहेगा, लेकिन इनकी उम्मीदों के अनुरूप काम नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने तो ये सोचा था कि बहुत कम लोग आएंगे, लेकिन 6 अप्रैल को संख्या दुगुनी थी, जो 30 मार्च की जो संख्या थी उससे दुगुनी थी, तब या
ये यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे वो पंजाब की जो सरकार थी उस सरकार को एक प्रकार से ज़्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता महसूस हुई और इन्होंने बहुत सारे और भी प्रतिबंध इम्पोज करे, जैसे धारा 144 लागू करनी हो, ये सारी चीज़ें कर ली। 7 तारीख चली गई, 8 तारीख आई, अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, 8 तारीख को इन्होंने प्लान बनाया। 9 तारीख को क्या रामनवमी थी, रामनवमी का त्यौहार था, तो इस दिन हिंदुओं और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के उद्देश्य से रामनवमी के दिन एक विशाल जुलूस निकालने का प्लान बनाया 8 तारीख को। और इस प्लान की सूचना इन्होंने पहले ही गांधी जी तक पहुंचा दी थी और गांधी जी को पंजाब आमंत्रित किया था, अमृतसर। गांधी जी को कहा था कि आप भी अमृतसर आना और यहाँ पर जो एक प्रताड़ित वर्ग है, जो अपनी कई लंबे समय से अपनी मांगे कर रही है, उस वर्ग को आप न्याय दिलाइए। और पंजाब में थोड़ी हिंसा भी बढ़ रही थी, तो गांधी जी चाहते थे मैं वहाँ जाकर हिंसक प्रदर्शनों को भी रोकूं और इनकी मांग को और मजबूत करूं। तो गांधी जी निकलते हैं दिल्ली से पंजाब के लिए। और अब देखो क्या हुआ, गांधी जी वहाँ से निकले, लेकिन वही बात कि वो समय पर पहुँच नहीं पाए। और इधर गांधी जी तो निकल गए, लेकिन इधर 9 तारीख हो गई और गांधी जी वहाँ से निकले ही थे, पहुँचे नहीं थे। 9 तारीख को इन्होंने रामनवमी का जुलूस किया, ठीक है, और रामनवमी का जुलूस किया, गांधी जी को कांग्रेस कार्य समिति ने बुलाया था, और रामनवमी के जुलूस में नहीं बुलाया था, बेसिकली जुलूस के बाद की घटनाओं का नेतृत्व करने के लिए बुलाया था। तो गांधी जी ना रामनवमी का जब जुलूस शुरू हुआ 9 तारीख को, तो इस जुलूस के अंदर वहाँ पुलोमर जो उस समय डिप्टी कमिश्नर थे अमृतसर के, पुलोमर ने इन दोनों को, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को, अपने आवास पर बुलाया वार्ता करने के लिए कि भई हम शांति स्थापित करेंगे। और ये दोनों जब आवास पे गए तो उनको वहीं से उठा लिया और धर्मशाला भेज दिया। 9 तारीख की बात है ये। और उधर जब ये घटना हुई तो पंजाब अमृतसर के अंदर हिंसक प्रदर्शन एक प्रकार से शुरू हो गया था। और जब अमृतसर में इन दोनों की गिरफ्तारी के खिलाफ जब हिंसक प्रदर्शन स्टार्ट हुआ, तो गांधी जी एक प्रकार से अमृतसर के लिए निकल चुके थे। और इस समय अंग्रेज़ों को ये लगा कि अगर गांधी लाहौर में, सॉरी, पंजाब प्रांत में प्रवेश करेंगे तो डेफिनेटली अशांति हो सकती है, गांधी जी के साथ और भी जनता जुड़ेगी, मामला टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी को पंजाब की सीमाओं में, या यूँ कहिए कि अमृतसर की सीमाओं में घुसने से पहले ही गांधी जी को आपके 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को है वो हरियाणा के पलवल नामक गांव से उठा लिया, ठीक है। पलवल एक बम्बई में भी है, ये पलवल मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। और बहुत सारी किताबों ने 8 अप्रैल लिखा हुआ है, ठीक है, 8 अप्रैल नहीं है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है 10 अप्रैल का, ठीक है। तो 10 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार किया। यह गांधी जी की विद्यार्थियों पहली राजनीतिक गिरफ्तारी थी, इससे पहले गांधी कभी पहले गिरफ्तार नहीं हुए थे पॉलिटिकली, भारत में पहली गिरफ्तारी थी। गांधी जी को गिरफ्तार करके 10 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, और मथुरा जेल भेज दिया गया। मथुरा जेल से गांधी जी को 11 अप्रैल को रिलीव किया और जेल से रिहा करने के बाद उनको बम्बई भेज दिया गया। तो गांधी जी की जो स्टोरी यहीं पर आपकी घूमती रही। और इधर 12 तारीख हो गई, 12 तारीख को हंसराज नामक व्यक्ति ने पंजाब के अंदर, या यूँ कहिए अमृतसर के अंदर, एक सार्वजनिक सभा स्थापित कर बुलाने का निर्णय लिया। और हंसराज के आह्वान पर अमृतसर के अंदर एक छोटा सा प्लॉट था कोई, अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहूँ यहाँ पे, ये एक छोटा सा प्लॉट था जो बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में आया हुआ था। इस प्लॉट के अंदर आपके, यूँ कहिए कि ये जल्ली नामक एक व्यक्ति की ज़मीन थी, जल्ली का प्लॉट था, इसलिए जलियानवाला बोलते हैं इसको। तो इस प्लॉट के अंदर, क्योंकि आसपास सारे के सारे भवन थे, एक यही जगह थी जो खाली थी, तो इस जगह के ऊपर आपके, यूँ कहिए कि मीटिंग बुलाई गई थी। और उस समय, उस दिन अर्थात 12 तारीख को आह्वान किया था, मीटिंग 13 तारीख को रखी गई थी। तो हंसराज के आह्वान पर इस स्थान पर बैठक बुलाई गई, और इस सभा में जो आपके, यूँ कहिए कि इस सभा में, उस 13 तारीख को वैसाखी का पर्व था, और वैसाखी का पर्व था तो गांव से भी बहुत सारे लोग आए थे। वैसाखी नए वर्ष का आरंभ होता है सिखों के अंदर, वैसाखी एक बहुत पवित्र पर्व माना जाता है सिखों के, तो वैसाखी के दिन बहुत सारे गांव से भी लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। लाला कन्हैया के नेतृत्व में यहाँ पे एक सभा आयोजित हुई, और लोग जब आए तो 12 तारीख को जब इसने सभा की घोषणा करी, तो इस पूरे इलाके में रिक्स डैग
आईआईयू का ये कि रेगिनेल्ड डायर ने, आर डायर ने क्या किया था, जो कि डिप्टी कमिश्नर था इस समय, नहीं सॉरी जनरल था इस पूरे अमृतसर का, इसने पहले ही घोषणा कर रखी थी धारा 144 की, कि धारा 144 में क्या होता है कि पांच से अधिक व्यक्ति अगर एक स्थान पे इकट्ठे होते हैं तो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, यही था धारा। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामान्य धारा लगाई जाती है, आज भी हमारे यहाँ पे धारा 144 आम बात है, कोविड के दौरान भी कई बार लगाई गई थी, आपको पता ही होगा। तो धारा 144 लगाई हुई थी, जिसकी जानकारी गाँव से आए हुए लोगों को थी भी नहीं, और गाँव से आए हुए लोग इस स्थान पर इकट्ठा होने शुरू हो गए। डायर ने कोई चेतावनी नहीं दी, और डायर है वो करीबन गोरखा और सिखों के करीबन 150 सैनिक लेके इस पूरे प्लॉट को घेर लेता है, और घेरने के बाद इनके ऊपर फायर करना शुरू कर दिया, और कहते हैं कि करीबन करीबन 1700 के आसपास फायर हुए, जिससे सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग हैं वो वहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए, मारे गए यहाँ पर डायर की गोलियों से। 13 अप्रैल की इस घटना ने एक प्रकार से जो एक निर्मम चेहरा था इनका, जो क्रूर कांड था, जैसा कि चर्चिल लिखते हैं कि जॉन ऑफ आर्क की हत्या के बाद में ब्रिटिश इतिहास का सबसे काला धब्बा है ये जलियांवाला हत्याकांड, निर्मम तरीके से लोगों को मारा गया, 13 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जलियांवाला हत्याकांड था। और इसके बाद फिर लोग है वो बेकाबू हो गए थे, तो फिर मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ विद्यार्थियों क्या होता है, मार्शल लॉ में सैनिक शासन होता है, पूरा का पूरा पावर सैनिकों को दे दिए जाते हैं। मार्शल लॉ लागू कर लिया, और मार्शल लॉ लागू करने के बाद में बहुत सारे आसपास के जो इलाके थे, लाहौर तक के क्षेत्रों में, अफगानिस्तान तक, इस पूरे क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर जहाँ जहाँ भी दंगे हुए, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ से बम वर्षा की गई, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड के बाद में उपजा विद्रोह दबाने के लिए इन्होंने वो सारे प्रयास किए जो दमनात्मक तरीके से हो सकते थे, और ये विरोध कंटिन्यू बढ़ता गया। और इस विरोध को देखते हुए 18 अप्रैल को गांधी जी ने सत्याग्रह सभा जो थी उसको है वो रद्द करने का निर्णय लिया। क्यों लिया? क्योंकि आंदोलन हिंसक हो चुका था, सत्याग्रह का मामला हिंसक हो चुका था, और उत्तर पश्चिमी भारत में विशेष तौर पर हिंसक हो चुका था, अहमदाबाद की घटनाएं भी हिंसक हो चुकी थी, गांधी जी इनसे बहुत आहत हुए, और गांधी जी ने निर्णय लिया कि मैं सत्याग्रह सभा को अभी रद्द करता हूँ। 18 अप्रैल को गांधी जी ने सत्याग्रह सभा रद्द कर दी, और गांधी जी ने जब सत्याग्रह सभा रद्द करी तो उस समय गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैंने सत्याग्रह सभा की स्थापना और उस समय प्री प्लान के बिना ये जो कार्यक्रम शुरू किया ये मेरी एक प्रकार से बहुत बड़ी भूल थी, दैट्स माई ब्लंडर मिस्टेक, यह मेरी है वो एक हिमालयन भूल थी। ठीक है, मतलब ये कई बार आता है कि गांधी जी ने हिमालयन भूल किसको कहा था, तो हिमालयन भूल उसने कहा था कि मैंने जो है वो सत्याग्रह सभा के माध्यम से बिना किसी पूर्व योजना के सत्याग्रह का ये जो अहिंसक आंदोलन था शुरू किया, ये मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी। विरोध बढ़ता देख अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए इंडेमनिटी बिल लेके आए, क्षतिपूर्ति विधेयक लेके आए, जिसके तहत कर्मचारियों को बचा लिया गया, जितने भी कर्मचारी थे। मार्शल लॉ के दौरान उन्होंने कानून से हटके काम किए थे, कानून से इतर जाके काम किए थे, कानून की सीमाओं का उल्लंघन करके काम किए थे, उन सभी की गलतियों को माफ़ करके उनके खिलाफ मामला नहीं चलाने के लिए इंडेमनिटी बिल लाया था, और इंडेमनिटी बिल के जरिए सभी कर्मचारियों को माफ़ कर दिया गया, उनके अपराधों को क्षम्य कर दिया गया। और फिर विरोध बढ़ता देख इन्होंने हंटर कमीशन बिठाया। अब जो विलियम लॉर्ड हंटर, देखो एक विल्सन हंटर अलग था जो एजुकेशन कमेटी में बैठा था, ये लॉर्ड विलियम हंटर था, वो विल्सन विलियम हंटर था। तो लॉर्ड विलियम हंटर के नेतृत्व में कमेटी बिठाई गई, इस कमेटी ने 1920 में आगे जाके रिपोर्ट दी, और इसी दौरान कांग्रेस ने जो है वो अपनी अलग से कमेटी बिठाई, तहकीकात कमेटी, जो कि मदन मोहन मालवीय और फिर आगे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी, इसके दो अध्यक्ष थे, मैं समझाऊंगा आगे। और इस प्रकार कमेटियों की रिपोर्ट से संतुष्ट न होने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का एक निर्णय ले लिया था, उस समय खिलाफत का मुद्दा भी उठ गया था, तो वो दो बातें हम बाद में करेंगे, पहले आज हम अब पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से रोलेट एक्ट का, सत्याग्रह सभा का जो विरोध था वो विरोध आपके एक प्रकार से
एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में यूँ कहिए कि बदल चुका था। ठीक है, तो इन बातों को अब हम वो शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात को शुरू कर रहे हैं हम परिचय में। देखिए, सबसे पहली बात कि ये हुआ क्यों था। अब देखिए, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम। गांधी जी के द्वारा रोलेट कानूनों के विरोध में रोलेट सत्याग्रह विभिन्न स्थानों पर हुआ। ठीक है, किसी एक स्थान पर नहीं हुआ था, बल्कि विभिन्न स्थानों पर हुआ था उस समय। और आप इसको ऐसे समझिए कि जब गांधी जी ने इस चीज़ का आह्वान किया था, तो दिल्ली, लाहौर, बम्बई और पंजाब, कलकत्ता भी, गुजरात भी, ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित थे उस समय। ठीक है, तो रोलेट कानूनों के विरोध में रोलेट सत्याग्रह विभिन्न स्थानों पर हुआ। अमृतसर में 30 मार्च वह 6 अप्रैल को विशाल रैली रैली सभा आयोजित हुई। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी 6 अप्रैल तक की बात है। ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा तय की गई दो डेट थी। अब आगे क्या हुआ देखिए। ये 6 अप्रैल को रैली हो गई। अब आगे क्या हुआ देखिए। 9 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख संयुक्त रूप से जुलूस निकालते हैं। संयुक्त रूप से जुलूस निकालते हैं इस दौरान इस दौरान डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू को ठीक है। अब देखिए, सैफुद्दीन किचलू को जो डिप्टी कमिश्नर थे, डीसी
को प्लोमर ने, जो कि डिप्टी कमिश्नर थे प्लोमर ने, गिरफ्तार किया किया तथा इन्हें धर्मशाला भेज दिया। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश भेज दिया। इसके विरोध में अमृतसर में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन आरंभ हुए, ठीक है, जिसे शांत करने तथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी तथा कमेटी के आग्रह पर गांधी जी अमृतसर के लिए रवाना हुए। ठीक है, इतना आप लिख लो आराम से, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो, गांधी जी अमृतसर के लिए रवाना हुए। अब आगे क्या हुआ, अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ। अब देखो, गांधी जी अमृतसर के लिए निकल तो गए, लेकिन गांधी जी है वो अमृतसर पहुँचने से पहले गांधी जी को है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। और कहाँ पे गिरफ्तार किया जाएगा उसको अपन लिख लेते हैं। क्या लिखा? रवाना हुए मगर 10 अप्रैल 1919 को पलवल हरियाणा, दिल्ली से निकले थे गांधी जी, पलवल में गांधी जी को गिरफ्तार करके गांधी जी को गिरफ्तार करके, ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार करके और कहाँ भेज दिया? मथुरा जेल में। ये गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, किसी जो कुछ किताबें हैं जैसे एस के पांडे, मेरे हिसाब से बौद्धिक प्रकाशन वगैरह, इन सभी में 8 तारीख लिखी हुई है। आप उन पर विश्वास मत करना, और भी कई सारी किताबें होगी आपके पास जिस पर 8 अप्रैल होगा। ये मैं 10 अप्रैल लिखवा रहा हूँ, ये ऑथेंटिक है, ये गांधी जी की खुद की आत्मकथा में, मैंने खुद ने पढ़ा है इसको, तो आप इसको स्वीकार करना, ठीक है। गांधी जी को गिरफ्तार करके, और एक किताब ने तो हद ही कर दी कि 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार करवा दिया, और जस्टिफाई भी किया है कि 8 तारीख को फिर वो कहाँ गए, 9 को कहाँ गए, फोगट का ही जस्टिफाई कर दिया उन्होंने। तो थोड़ा सा ऐसी किताबों से बचना। गांधी जी को गिरफ्तार करके मथुरा जेल भेज दिया, ठीक है, कहाँ भेज दिया? मथुरा जेल भेज दिया। गांधी जी को गिरफ्तार करके मथुरा जेल भेज दिया। यहाँ से 11 अप्रैल को रिहा करके बम्बई भेज दिया, यह गांधी जी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी, ध्यान रखना, यह गांधी जी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थियों,
गिरफ्तारी थी, पहली राजनीतिक गिरफ्तारी। ठीक है, कब? पलवल में। कब? 10 अप्रैल 1919 को। रोलेट कानून के लागू होने के ठीक 15-20 दिन बाद। ठीक है, राजनीतिक गिरफ्तारी थी। अब आगे क्या हुआ देखिए। तो इस तरह से मथुरा जेल भेज दिया गया, यहाँ से 11 अप्रैल को रिहा करके बम्बई भेज दिया गया। गांधी जी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी थी। अब आगे क्या हुआ देखिए, बात को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी गांधी जी गिरफ्तार हो गए और गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में अहमदाबाद में एक चीज़ और लिख लेते हैं, गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में अहमदाबाद में हिंसक प्रदर्शन हुआ। जिससे गांधी जी स्वयं आहत थे, तो गांधी जी को ठीक नहीं लगा था, लेकिन जनता गांधी जी के साथ थी। और भारत तो आपको पता है हमेशा से इमोशनली रहा है, तो भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ इमोशंस बहुत काम करते हैं। ठीक है, इससे गांधी जी आहत थे। आगे क्या हुआ देखिए। अब ये ठीक ठाक गांधी जी वाला मैटर एक साथ चलता रहेगा। अब हम वापस आते हैं कि पंजाब में पीछे क्या हुआ। तो गांधी जी तो आ रहे थे पंजाब, उससे पहले गिरफ्तार हो गए, कर लिए गए और ये सारी कहानी हो गई। पीछे उधर क्या हुआ, अब ये 10 तारीख की बात है। पीछे 12 तारीख को हंसराज ने आह्वान किया। ठीक है, तो हंसराज के आह्वान पर वैसाखी पर्व, उधर रामनवमी लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये पर्व बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछते हैं ऐसे। हंसराज के आह्वान पर वैसाखी पर्व के अवसर पर 13 अप्रैल 1919 को लाला कन्हैया लाल की अध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन अमृतसर के एक भूखंड जली नामक व्यक्ति का था, कुछ किताबों ने लिखा हंसराज का नहीं था, जली नामक व्यक्ति का था। अध्यक्षता विश्वास सम्मेलन अमृतसर के एक भूखंड में आयोजित 13 अप्रैल 1919 को आयोजित हो रहा था। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या बात लिखी है कि हंसराज के आह्वान पर वैसाखी पर्व के अवसर पर 13 अप्रैल 1919 को लाला कन्हैया लाल की अध्यक्षता में विशाल सम्मेलन अमृतसर के एक भूखंड में आयोजित हो रहा था। ठीक है, इसके आयोजन से पूर्व पूर्व
पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइक ओडायर ने क्योंकि जो आदेश होते हैं ठीक है उसको लागू करने का काम तो उसका होता है पुलिस विभाग का और उनका प्रशासनिक तंत्र का, लेकिन जो आदेश देने का काम होता है वो होता है प्रशासन का, मतलब अधिकारियों का, शासन का। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तो दिए थे एक प्रकार से ऑर्डर कि धारा 144 लागू कर ली जाए। इन ऑर्डर को लागू करने का काम किया था आर डायर ने, ठीक है, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइक ओडायर ने। अमृतसर में धारा 144 लागू कर दी थी, लागू कर जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये बात तो हो गई यहाँ पे, ठीक है, आप इसको आराम से लिख लो, फिर मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर है। एक मिनट, अब इसको अपन ये ले सकते हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे बैठक शुरू हुई थी, सुबह सुबह का टाइम था, और जैसे ही बैठक यहाँ पे आरंभ होती है उसी समय सेनापति जनरल ये वो भूखंड है जल्ली नामक व्यक्ति का, ठीक है, ये जल्ली नामक व्यक्ति का भूखंड है और यहीं पर ये सारी घटनाएं हुई थी। ये कोई बाग नहीं था, बड़ा अच्छा सा पार्क नहीं था। कई बार होता है ना, कई सारे घरों के बीच में कोई खाली प्लॉट होता है, उस टाइप से कोई छोटा सा प्लॉट था और कुछ भी नहीं था, ये चारों तरफ से घर ही घर थे। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, अब कर्नल रेगिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इसका पूरा नाम है, जिसे हम कहते हैं आर ई एडवर्ड ई एच डायर, ठीक है, कर्नल तो उसका पद था, आर ई एच डायर। तो देखिए दो डायर हुए, एक तो ये डायर हुआ, उसी समय पंजाब का गवर्नर जनरल ओ डायर था, ओ डायर ने ऑर्डर दिए और उसके ऑर्डर पे काम एच आर डायर कर रहा था, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि बाद में क्या हुआ। आर डायर जो थे यह लास्ट में बीमार हुआ बुरी तरह से, पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया, गला खराब हो गया, बोल नहीं पाता था, सड़ सड़ के कहते हैं ना, वो मरा 1927 में ही है। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओ डायर, माइक ओ डायर, उसको उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने उसको कैक्सटन हॉल में गोली चलाकर मारा था। उधम सिंह उस समय जलियावाला बाग हत्याकांड में कहते हैं कि छोटा सा बच्चा था और उसने वो पूरा हत्याकांड अपनी आंखों के सामने देखा था। उसके बाद कहते हैं कि उधम सिंह ने इस हत्याकांड को देखने के बाद उसने निर्णय लिया था कि इस हत्याकांड का जो मेन जिम्मेदार व्यक्ति है उसको मैं जो है वो मारूंगा नहीं तब तक
कभी बदला पूरा नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं कि उद्यम सिंह लंदन चला गया, इंग्लैंड। वहाँ पे होटल में चाय बेची, वहाँ पे उनने छोटा से छोटा कार्य किया, वैसे कार्य कोई छोटा नहीं होता, लेकिन गुजर बसर करने के लिए हर प्रकार के कार्य किए। और 1940 में करीबन करीबन 27 साल बाद मौका मिला और कैक्सटन हॉल में उस जो आपके जो लाल चादर बिछाई जाती है उसके ऊपर आपके पब्लिक के सामने जब उद्यम सिंह ने एक प्रकार से रवाना होना शुरू हुआ तो उस समय वो भाषण दे रहा था माइक को डायर, और उसी समय उसने वो गोलियां उतार दी और डायर को मार दिया था। फिर उद्यम सिंह को आपको पता होगा तो जला दिया गया था गीली लकड़ियों से चौराहे पे ले जाके, बड़ी बुरी मौत दी थी उद्यम सिंह को। तो डायर REH डायर ओ डायर से कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैंने जो बातें बताई है ये आप लिख लेना, ठीक है ना। मैं फिर भी आगे थोड़ा थोड़ा हिंट देता रहूँगा। तो आगे क्या हुआ देखिए, तो कर्नल रेगिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने नायर ने कुछ गोरखा व सिख सैनिकों के साथ मिलकर इस भूखंड को घेर कर गोली चलाने का आदेश दिया चलाने का आदेश दिया चलाने का आदेश दिया इसके परिणाम स्वरूप घायलों की तो काउंटिंग नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप 379 ये थे ऑफिशियल रिकॉर्ड। ठीक है, लोग मारे गए। ये विद्यार्थियों ऑफिशियल आंकड़ा है। अब ऑफिशियल आंकड़े हमेशा पता ही होता है, जैसे कोरोना को देख लो आप, कोरोना में वास्तव में कितने मरे और आंकड़े कितने आए आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो दरअसल क्या होता है, ये भारत की मैं बात तो नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के आंकड़े गलत थे कोरोना के दौरान। और जहाँ तक हम मान के चलते हैं न्यूज़पेपर्स की खबरों के अनुसार, तो जितनी मौतें दिखाई गई इससे चार गुना ज़्यादा मौतें हुई है, कोरोना की बात कर रहा हूँ। ये भी उस दौर में जब सोशल मीडिया का दौर है, जब हर व्यक्ति पत्रकार है, जब हर व्यक्ति सूचना का संप्रेषक है। तो आप सोचिए कि 1913 का वो दौर जिस समय अखबार भी निकालना आसान नहीं था, और इस घटना की निंदा करने के कारण बॉम्बे क्रॉनिकल जो अखबार था आर्नी मैन का, अपन ने पीछे शायद एक जगह आर्नी मैन लिखा, आर्नी मैन कर देना आप, आर्नी मैन अखबार, आर्नी मैन को देश निकाला दे दिया अंग्रेज़ों ने, और बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार रातों रात बंद करवा दिया। क्यों? उन्होंने सिर्फ इस घटना का विरोध किया था। तो आप समझ सकते हो कि उस समय जब अखबार भी स्वतंत्र नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में मौतों के आंकड़े कहाँ से प्रमाणिक होंगे। तो सरकारी आंकड़े कहते हैं 379, तो 379 सरकारी आंकड़े कहते हैं तो निश्चित रूप से पांच गुना ज़्यादा ही डेथ हुई होगी, करीबन करीबन 1500 लोग मारे गए होंगे इस जगह पे, और विद इन 10-15 मिनट ही गोलियां चलाई थी उन्होंने, किसी को निकलने नहीं दिया और भून डाला। एक पास में अंदर कुआं भी है, कुआं लाशों से भर गया था क्योंकि लोग गोलियों से बचने के लिए कुओं में कूद गए थे। और बाद में वही हंसराज जिसने ये रैली बुलाई थी वो सरकारी गवाह बना, डायर के पक्ष में बोला था वो। ठीक है, आगे देखिए, लोग मारे गए।
ये गोली किसने चलाई थी? REH डायर, रेगिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने। ये उस समय अमृतसर का एक प्रकार से सैन्य अधिकारी था, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये बात एक प्रकार से मोटे मोटे तौर पे पूरी हो गई। ये घटना हो गई और ये कोई एक सामान्य घटना नहीं थी। आप समझ सकते हो कि इस घटना के अंदर बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, तो सामान्य घटना नहीं थी ये, ठीक है। तो मैं इसके साइड में वो बात लिख लेता हूँ, इसको मैं आर डायर बोलूँगा। आर डायर 1927 में बीमारी से मरा, ठीक है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर, माइक ओ डायर जैसे बोलते हैं अपन, पूरा ही लिख लेता हूँ, माइक ओ डायर को इस घटना के चश्मदीद, उस समय जहाँ तक मेरी जानकारी है मुश्किल से कोई 8-10 साल का बच्चा रहा होगा ये उद्यम सिंह, मेरे हिसाब से। डायर को, माइक ओ डायर को उद्यम सिंह ने ने लंदन के कैक्सटन हॉल में मार दिया, हॉल में 13 मार्च 1940 को मार दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों डायर अलग अलग थे और कई बार हम कन्फ्यूजन में सवाल गलत कर देते हैं। ये घटना थी एक प्रकार से डायर की, और इस घटना के बाद में दुनिया भर में क्या प्रतिक्रियाएं आई, ये बात आपने देख लिया अभी। अब घटना होने के बाद क्या हुआ, लिख लेना आप आराम से इसको। घटना होने के बाद में प्रतिक्रियाएं क्या क्या आई, ठीक है। प्रतिक्रियाओं में हम कुछ मैन मैन स्टेटमेंट चेक करेंगे, जो कुछ मैन मैन मुख्य मुख्य विद्वानों ने उस समय दिए थे, ठीक है। जैसे दीन बंधु एंड्रूज, दीन बंधु एंड्रूज ने क्या कहा, यह जानबूझकर की गई क्रूर हत्या थी। कई बार ये स्टेटमेंट परीक्षा में पूछा गया है। चर्चिल ने क्या कहा, जॉन ऑफ आर्क की हत्या के बाद ब्रिटेन के इतिहास का यह काला धब्बा था। काला धब्बा है। तीसरा, गांधी जी क्या कहते हैं, अंग्रेज शैतानी लोग हैं। ये गांधी जी को पता चल रहा है, अफ्रीका में पता नहीं चला, अंग्रेज शैतानी लोग हैं। गांधी जी बहुत खिन्न थे इस जगह पे। गांधी जी ने इतना कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंग्रेज इस कदर भी गिर सकते हैं, कि इस कदर भी वो एक प्रकार से अत्याचार कर सकते हैं। ऐसा गांधी जी ने कभी भी एक प्रकार से यूं कहिए कि सोचा नहीं था, ठीक है। अब आगे क्या हुआ देखिए, और किसने क्या क्या कहा। तो ये कुछ लोग विरोध में थे, तो कुछ लोग इसके समर्थन में भी थे, जैसे मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू क्या कहते हैं, यह निवारक हत्या थी। निवारक का मतलब ये थी कि कोई समस्या आने वाली थी, उस समस्या के निवारण के लिए हत्या की गई थी, मतलब एक प्रकार से पक्ष में खड़े थे। दीन बंधु हो गया, चर्चिल हो गया, गांधी जी हो गया, और इसके अलावा
ये चार स्टेटमेंट तो मैन है, ठीक है। पांचवा स्टेटमेंट एक पत्रकार का था जिसका नाम था गिलबर्ट स्लेटर, कि डायर ने पंजाब बचा लिया मगर भारत खो दिया। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पास में सर की उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि थी, तो वो जो नाइटहुड की उपाधि थी वो उन्होंने वापस लौटाई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई लेट किया ना, डेढ़ महीना लेट किया, 30 मई 1919 को नाइटहुड की उपाधि लौटाई तथा शंकरन नायर ने, वही शंकरन नायर है जिसने बहस में विरोध नहीं किया था, अपवाद लिखा था हमने, शंकरन नायर ने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दिया। आपको अगर याद हो तो अमृतसर कांग्रेस का अध्यक्ष था 1897 में, अमृतसर के अमरावती सॉरी। ये कुछ घटनाएं थी जो सामान्य प्रतिक्रियाएं हुई। अब आगे क्या हुआ देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अब आएगी, ठीक है, इसको लिख लो आप। अब जांच से पहले प्रतिक्रिया में लिखोगे कि अब जैसे ये घटना हुई तो इस घटना के बाद में विभिन्न स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन प्रारंभ हो गए, पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, इवन अफगानिस्तान के अंदर भी अमानतुल्ला ने वहाँ पे हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए। अपने अपने हित थे, अमानतुल्ला का तो हित ये था कि अंग्रेज अभी उधर बिजी है और हम है वो अफगानिस्तान को आज़ाद कर लेते हैं, ऐसे तीसरा अफगान आंग्ल युद्ध बोलते हैं वैसे, तो वो सारा काम शुरू हो गया था और ऐसी स्थिति में एक दमनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी थी, ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार ने इसके बाद जलियांवाला हत्याकांड के बाद में क्या नीति अपनाई उसको हम देखते हैं। हत्याकांड के बाद की नीति, दो टाइप की नीति कह सकते हैं, आक्रामक और दूसरी आएगी रक्षात्मक, ठीक है। रक्षात्मक आक्रामक पे क्या होगा, तो हत्याकांड के बाद में जो विद्रोह एक उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए थे, ठीक है, उन सारे उग्र प्रदर्शन को दबाव देने के लिए, उनको कुचलने के लिए इन्होंने जो है आक्रामक रूप अपनाया। लेकिन अपने जो सैन्य अधिकारी थे, अपने जो कर्मचारी थे, इन कर्मचारियों को बचाने के लिए रक्षात्मक युक्तियां अपनाई, ऐसा कानून बना दिया कि इन अधिकारियों का जो भी कोई कृत्य था गलत वो कृत्य माफ़ कर दिए, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता। दोनों टाइप की पॉलिसीज अपनाई और इस पॉलिसीज का हर जगह पे विरोध हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते क्या हुआ, समझते जाइए, चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है और समझ में आ गई तो दिक्कत भी नहीं है। अब देखो आक्रामक हो गया, आक्रामक नीति क्या रही। हत्याकांड के बाद पंजाब लाहौर अफगानिस्तान ठीक है अफगानिस्तान में
हिंसात्मक प्रदर्शन शुरू हुए। आरंभ हुए, ठीक है, आरंभ हुए। इससे निपटने के लिए मार्शल लॉ लागू किया। हवाई बमबारी की, ठीक है, और निर्मम तरीके से दमन के प्रयास हुए। दमन किया गया, ठीक है। ये चीज तो होगी आक्रामक में। रक्षात्मक में क्या किया? इंडेमनिटी बिल, क्षतिपूर्ति अधिनियम बोल सकते हो आप उसको, बिल बाद में एक्ट भी बन गया सितंबर में। इसमें क्या व्यवस्था की थी कि ब्रिटिश अधिकारी जो थे, अधिकारियों वे कर्मचारियों द्वारा मार्शल लॉ के दौरान कानून की सीमाओं से परे किए गए कार्यों, मतलब कानून की सीमाओं से परे का मतलब होता है कि कानून का उल्लंघन करना, कहने का मतलब यह थे, किए गए कार्यों के लिए इन्हें माफ किया गया तथा मामले नहीं चलाने की सुविधा दी। मतलब इनके ऊपर कोई मामला नहीं चलेगा, ठीक है। और सितंबर में ये लेजिस्लेचर काउंसिल में पारित हो गया, विधान परिषद में पारित भी हो गया। अपने कर्मचारियों को तो ठीक ठाक तरीके से इंडेमनिटी बिल के जरिए बचा लिया। कई बार प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, इंडेमनिटी बिल क्या था? तो क्षतिपूर्ति अधिनियम था, और इसके तहत अपने उन कर्मचारियों को बचाना था जिन्होंने मार्शल लॉ के दौरान कानून का उल्लंघन करते हुए एक प्रकार से भारतीयों के विरुद्ध कार्य किए थे और ब्रिटिश सरकार के पक्ष में कार्य किए थे। उन सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने के लिए इन्होंने यह बिल लेके आया था, और इस बिल में वो सारे कर्मचारी बच गए जिन्होंने गलत कार्य किए थे भारतीयों के विरुद्ध, समझ गए होंगे आप इसको। और इस तरफ ये मार्शल लॉ के जरिए क्या कर रहे थे, कंटिन्यू एक प्रकार से आंदोलन का निर्मम तरीके से दमन कर रहे थे। अफगानिस्तान का किस्सा थोड़ा यूं था कि अफगानिस्तान में भी इस मार्शल लॉ का सीधा इफेक्ट पड़ा, और यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर एक मेरा कहने का मतलब ये है कि एक शासक था जिसका मैंने अभी नाम बताया आपको, अमानतुल्ला, ठीक है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान में अमानतुल्ला था, अमानतुल्ला ने यहाँ पे विद्रोह किया जिसे तृतीय अफगान युद्ध कहते हैं, दो पहले हुए, तृतीय अफगान युद्ध कहते हैं, इसका जल्द दमन कर दिया गया, दमन किया गया, ठीक है। तो ये लंबा नहीं चलना था, मतलब इस तरह से आप आक्रामक तरीके से
जनता की भावनाओं का दमन कितने समय तक करोगे, अंततः ये ज़्यादा समय तक नहीं चला, आप इसको लिखते जाइए आराम से। और लाहौर क्षेत्र में ये तो अफगानिस्तान का हो गया, ठीक है, ये साथ साथ में आप लिखते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। लाहौर में आपको पता हो तो चमन दिन का नाम आता है, चमन दिन ने डंडा फौज की स्थापना की थी, डंडा अखबार, नारा दिया था कि हिंदू मुसलमानों सिखों एक हो जाओ और अंग्रेज बंदरों को मार भगाओ, ऐसे नारे दिए थे डंडा फौज के जरिए। हालांकि ये भी 3-4 दिन ही चला, ज़्यादा नहीं चलने दिया, और बहुत जल्दी इन सब का क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये सारी की सारी जो आक्रामक नीति थी, इस आक्रामक नीति ने आगे वाले 2 या 3 महीने के भीतर कम्प्लीटली इस जो हत्याकांड था, इस हत्याकांड का आक्रामक रुख जो है वो शांत कर दिया था। मतलब जो भारतीय लोग आक्रामक थे, जो आपके विद्रोह के उसमें थे, उन सभी को उसने शांत कर दिया था आक्रामक रास्ते के जरिए, ठीक है। ये इस हत्याकांड के बाद में ब्रिटिश और पंजाब सरकार की मुख्य रूप से नीति रही। अब इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ, और इस नीति का भारतीय अखबारों ने किया, ब्रिटिशर्स ने भी किया, ठीक है। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपके सामने, तो इस नीति का विरोध क्या हुआ, देखिए मैं अलग स्लाइड पे ले रहा हूं। हत्याकांड के विरुद्ध ब्रिटिश नीति का विरोध हुआ, बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार ने सर्वाधिक विरोध किया तो सरकार ने इस अखबार को बंद कर दिया तथा संपादक हार्नीमैन, हमने पीछे एक जगह हार्नीमैन लिखा, अब हार्नी कर देना ना, हार्नीमैन को देश निकाला दे दिया, ठीक है। इस प्रकार बॉम्बे क्रॉनिकल जो भारत समर्थित अखबार था वो बंद हो गया, और जब बॉम्बे क्रॉनिकल बंद हुआ तो इसका स्थान लेने के लिए लेने के लिए गांधी जी ने नवजीवन या यंग इंडिया, अंग्रेजी में या गुजराती में नवजीवन साप्ताहिक अखबार शुरू किया। पहले ये मासिक चल रहा था, वैसे साप्ताहिक अखबार शुरू किया, ठीक है। अब गांधी जी खिन्न इसलिए थे कि उन्होंने ये सोच कि सत्याग्रह शुरू नहीं किया था कि इतना हिंसक हो जाएगा, उन्होंने ये सोचा था कि सत्याग्रह का डेफिनेटली अच्छे परिणाम निकलेंगे। और गांधी जी ने जब ये अमृतसर के अंदर, लाहौर के अंदर, कलकत्ता के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जब इतनी सारी हिंसाएँ देखी, तो गांधी जी को ठीक नहीं लगा, और गांधी जी ने क्या किया, 18 अप्रैल 1919 को अपनी सत्याग्रह सभा को रद्द कर दिया, और अब नया कार्यक्रम बनाने की प्लानिंग कर दी।
ठीक है। तो अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं, देखिए हमने परिचय कर लिया, घटना क्या हुई ये देख लिया, ब्रिटिश प्रतिक्रियाएं देख ली, भारत प्रतिक्रिया अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और इसके जस्ट बाद में देखेंगे जांच, जांच आयोग, ठीक है। तो भारत की प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं और इन प्रतिक्रियाओं में अभी तक अब देखिए क्या हुआ। तो अब देखिए यूं कहिए कि हत्याकांड के बाद बढ़ते हिंसात्मक प्रदर्शनों, विशेषकर अहमदाबाद के प्रदर्शन, अहमदाबाद की हिंसा से खिन होकर अय्यर व चंद्रावरकर की परामर्श से गांधी जी ने सत्याग्रह सभा व उसके कार्यक्रम को अठारह अप्रैल 1919 को स्थगित कर दिया। ठीक है, तो आप ये मानिए कि मोटे मोटे तौर पे सत्याग्रह सभा भली फरवरी में मना लियो 24 फरवरी को, लेकिन मार्च में इनका कार्यक्रम शुरू हुआ था 23 मार्च के आसपास और 18 को ये ख़त्म हो गई। मतलब आप सोचिए कि 18 और 7 25 मुश्किल से एक महीने के आसपास ये कार्यक्रम चला है, ख़त्म स्थगित कर दिया। इस समय गांधी जी ने स्वीकारा कि बिना पूर्व योजना के सत्याग्रह सभा का गठन करना मेरी हिमालय जैसी भूल थी। ठीक है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में दो प्रश्न इस प्रश्न टाइप से आते हैं। पहली टाइप ये आती है कि गांधी जी ने ये किस अवसर पर कहा था। तो ये कहा था सत्याग्रह सभा के विघटन के समय, और किस हेतु कहा था, सत्याग्रह सभा की स्थापना हेतु कहा था। हम कई बार हमारे से कोई गलती होती तब हम गलती लास्ट खत्म होते तब कहते कि यार मेरी गलती थी ये काम करना। तो सत्याग्रह सभा के विघटन के समय ये शब्द कहे थे और कहे थे आरंभ करने के संदर्भ में। ठीक है, किस समय कहे थे, विघटन के समय, और कहे थे आरंभ करने के संदर्भ में। अब दूसरा पॉइंट, अरिहंत के उस पोथे में यूथ गाइड के अंदर और कौन सी किताब थी, कोई और भी किताब मेरे सामने आई थी, घटना चक्र,
इन तीन चार जगह पे इसका उत्तर सीधा गलत माना हुआ है, पता नहीं क्या माना उन्होंने, जो भी ये गलत माना हुआ है। तो कृपया करके इसके इतर कुछ भी मिलता है आप अपने स्तर पर लाल पेन से काट दिया करो, हमारे इस पॉइंट को चैलेंज नहीं मिल सकता, ठीक है। तो मुझे ऐसे वापस आप कन्फर्म मत करवाना, मैंने कन्फर्म बता दिया यहाँ, मैं कन्फर्म ही बताता हूँ। कई बार कोई बोलने से अगर त्रुटि होती है तो मैं दूसरी क्लास में सुधार दूंगा, ठीक है। तो हिमालयन जैसी भूल जो है वो इस संबंध में कहा था, और सत्याग्रह सभा को गांधी जी ने क्या कर लिया, स्थगित कर लिया था, ठीक है। तो ये गांधी जी ने कहा कि मेरा हिमालयन ब्लंडर थी, हिमालय का मतलब होता है बड़ी सी बड़ी गलती आप जैसे आप कह सकते हो, तो इसलिए इसको क्या कहा था, हिमालयन ब्लंडर कहा था। और इस प्रकार ये जैसी समाप्त हुआ, यह गांधी जी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। और असफल रहा, मगर असहयोग आंदोलन का कारण बना, का कारण बना। और ये बात कही है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, असहयोग आंदोलन के कारण बनने वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सत्याग्रह सभा वगैरह सारा सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं और वापस मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जहाँ से हमने बात को शुरू किया था। तो परिचय हो गया, घटना होगी, ब्रिटिश प्रतिक्रिया होगी, किस तरह से उन्होंने दमन किया, आक्रामक, रक्षात्मक, सारा भारत ने क्या कार्य किया, इस समय गांधी जी वगैरह के रोल आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इस हत्याकांड की जांच के लिए क्या क्या प्रयास हुए। तो इस समय जो दोनों प्रयास हुए, कांग्रेस की तरफ से भी प्रयास हुआ और ब्रिटिशर्स की तरफ से भी प्रयास हुआ, दोनों प्रयास लिखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, जब बहुत ज़्यादा विरोध बढ़ गया किसका, कि जांच होनी चाहिए इस पूरे हत्याकांड की, और जब जांच का दबाव बढ़ना सरकार के ऊपर, तो 14 अक्टूबर 1919, ठीक है, इसके ऊपर डेट नहीं है लेकिन इसकी कन्फर्म मैं डेट बता रहा हूँ, और मेरे विद्यार्थियों ये चार किताबों, मैंने चार डेट देखी है, बौद्धिक प्रकाशन ने अलग ही लिखी है, उसने लिखा है 8 अक्टूबर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक ऑथेंटिक किताब फिर और देखी थी, लेखकों के नाम याद नहीं रहते, उसने लिखा 26 अक्टूबर, ठीक है। फिर जब मैंने हंटर कमेटी की रिपोर्ट ही खोली तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर लिखा है 14 अक्टूबर। तो डेट याद रखोगे कौन सी, 14 अक्टूबर, और नाम क्या था, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आदेशों की अवमानना की गई और उस अवमानना की जांच की समिति थी, ये कमीशन नहीं था, ये समिति थी, ठीक है। कमीशन बेसिकली बुलाए बैठाए जाते हैं जब कोई घटना या यूं कोई जब कोई सुधार का काम हो या घटना बाद में होनी हो, उसके लिए कमीशन बिठाए जाते हैं, कमेटी बिठाई जाती घटना के बाद की जांच करने के लिए। कमेटी जो है वो त्वरित रूप से काम करती है, कमीशन थोड़े पूरी रिपोर्ट्स वगैरह करने के बाद करते हैं। तो कमीशन जो होते हैं वो सकारात्मक एंगल से लिए जाते हैं, कमेटियाँ नेगेटिव एंगल से ली जाती है। तो ये कमेटी थी यहाँ पे, हंटर कमेटी बोलते हैं हम इसको, एक हंटर कमीशन भी था, हंटर कमीशन था वो था आपके विल्सन विलियम हंटर, और ये था आपके लॉर्ड विलियम हंटर, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, सवाल आ जाता है कई बार, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, मैं सारे पॉइंट्स है वो अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ। 14 अक्टूबर 1919 को वायसराय द्वारा
वायसराय द्वारा, ध्यान से समझना, बंबई, दिल्ली व पंजाब में आदेशों की अवज्ञा की जांच हेतु 9 सदस्य का मतलब ये था, इसमें 8 सदस्य थे प्लस 1 अध्यक्ष, समिति गठित की, ठीक है। अब समिति के आप 3 भारतीय सदस्यों के नाम याद रखना, बस, बाकी याद नाम याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो विलियम लॉर्ड हंटर ये था इसका अध्यक्ष, ठीक है। और इसके अलावा कलकत्ता के न्यायाधीश थे रैनकिन, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस थे, ठीक है। और इसके अलावा आपके तीसरे नंबर पे हम लेते हैं, गृह विभाग से संबंधित एक व्यक्ति लिया गया था जिसका नाम था W.F. Rice, ये था गृह विभाग का प्रतिनिधि, ब्रिटेन के गृह विभाग का प्रतिनिधि था। इसके अलावा था जॉर्ज बैरो, जो कि पेशावर डिवीज़न का सैन्य अधिकारी था, जॉर्ज बैरो, ठीक है, पेशावर का सैन्य अधिकारी, ये सेना से संबंधित था, ठीक है। कितने हो गए? 4, अपने को अभी 5 नाम और लिखने। इसके अलावा आपके थॉमस स्मिथ, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रांतीय सभा से थे, थॉमस स्मिथ, यूपी की जो परिषद थी उसके सदस्य थे, ठीक है, थॉमस स्मिथ, 3, 2, 5। उसके बाद में आता है HC Stock, ये भी गृह विभाग के सचिव थे, ठीक है, ये भी गृह विभाग से थे। कितने हो गए? 3 और 3, 6। और 3 लोग थे भारत के, लिए मैं अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। एक थे जगत नारायण, जो कि वकील थे, जगत नारायण वकील भी थे और उत्तर प्रदेश की प्रांत में बैठते थे, प्रांतीय परिषद में, थॉमस स्मिथ के साथ में, ठीक है, जगत नारायण। और इसके अलावा थे चिमनलाल सीतलवाड़, चिमनलाल सीतलवाड़, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील थे और साथ साथ में यह आपके बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, ठीक है। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के क्या थे? VC थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के। और तीसरे जो एक लिए गए थे वो मुस्लिम थे, क्या नाम था, साहबजादा सुल्तान अहमद खान, राजकुमार था सुल्तान अहमद ग्वालियर का, ठीक है, ग्वालियर, ठीक है। आप 3 भारतीय नाम पक्के याद रखना और 1 इसका याद रखना, ये 4 नाम याद रख लेना, इससे ज़्यादा याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें से ये मोस्टली सारे भारत के अंदर ही थे, जैसे हंटर के अलावा रैनकिन वगैरह बाद में जो भी है, तो ये सारे लगभग भारत में ही थे। ये कितने लोग हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 सदस्य कमेटी बैठी जिसमें 1 अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इस समिति ने यह रिपोर्ट तैयार की पूरी की पूरी, ठीक है, और 14 अक्टूबर 1919 को कमेटी बैठती है। और अब यहाँ पे एक छोटी सी हल्की सी दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई? दिक्कत यह आई कि इस कमेटी ने सभी नेताओं को
एक प्रकार से अपने अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए कहा था। मतलब ये हुआ कि आप आइए और कमेटी के सामने प्रस्तुत होंगे, वो आपसे सवाल करेंगे और सवाल करने के बाद में आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। ये एक प्रकार से काम हुआ था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जब कमेटी बैठी, ठीक है, विलियम हंटर की अध्यक्षता में, तो इस कमेटी के अंदर कांग्रेस की तरफ से जो भाग लिए थे वो थे आपके चित्तरंजन दास। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से कौन थे? चित्तरंजन दास को कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लेने के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो कांग्रेस की तरफ से चित्तरंजन दास ने भाग लिया, लेकिन यहाँ पे एक दोनों के बीच में विवाद हो गया, कांग्रेस और इस समिति के बीच में विवाद ये हुआ था कि इस पूरे मार्शल लॉ के दौरान कई सारे कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो कांग्रेस की मांग ये थी इस कमेटी से कि आप है वो उन सारे नेताओं को जमानत पर रिहा कर दो, लेकिन इस मांग को इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। जब खारिज किया तो कांग्रेस जो है वो इससे अलग हो गई और कांग्रेस ने हंटर समिति को अस्वीकार कर लिया। और 14 अक्टूबर के ठीक एक महीने बाद 19 नवंबर को इन्होंने नई तहकीकात समिति गठित की, और तहकीकात को हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो सदस्य हो गए, ये समिति हो गई। कांग्रेस की तरफ से चित्तरंजन दास, एक मिनट, सी आर दास लिख रहा हूँ, चित्तरंजन दास, सी आर दास इस समिति के समक्ष उपस्थित हुए, कांग्रेस नेताओं को रिहा नहीं किए जाने के कारण कांग्रेस ने इस समिति का बहिष्कार कर दिया, बहिष्कार कर दिया इस समिति का। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था अंग्रेजों को, भले बहिष्कार करो ना करो, लेकिन बहिष्कार करने के बाद इन्होंने नई समिति गठित की कर दिया तथा तहकीकात समिति गठित की। नई तहकीकात का मतलब इसमें इन्वेस्टिगेशन, सॉरी समिति गठित की। ठीक है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। और अब आगे क्या हुआ देखिए। अब इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी आपके 28 मई 1920 को हंटर समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, अब यहां पे विद्यार्थियों का हुआ, यहां पे मामला कुछ अलग हो गया। अलग ये हुआ कि जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी चार लोगों ने, ये कितने हो गए, पांच लोग, इन पांचों लोगों ने जो रिपोर्ट तैयार करी, अब चूंकि ये 9 लोग थे तो बहुमत इन लोगों का था, ये 6 थे, ये 3 ही थे। और जब रिपोर्ट आई इन लोगों की तो इनकी रिपोर्ट अलग चल रही थी, इन्होंने अलग रिपोर्ट चल रही थी। लास्ट में क्या होता है कि 9 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं रिपोर्ट्स, जब भी कोई कमेटी बैठती है। तो जगत नारायण और चिमन लाल शीतलवाड़ ने ये कहा कि हम आपकी रिपोर्ट से सहमत नहीं, तो हस्ताक्षर नहीं करोगे? हस्ताक्षर तो करेंगे, लेकिन हम हमारे आशय पर पाद नोट लिखेंगे, टिप्पणी डालेंगे। और इन्होंने क्या किया, जगत नारायण और चिमन लाल शीतलवाड़ ने इस रिपोर्ट के नीचे के साइड में यहाँ पे
टिप्पणी डाल दी, एक शानदार वाली। उस टिप्पणी ने पूरी रिपोर्ट को खराब करवा दिया। टिप्पणी डालने के बाद में आप यूँ समझिए कि पूरी रिपोर्ट बेकार है। टिप्पणी डालने के बाद नीचे अपने हस्ताक्षर किए। तो इस प्रकार से चिमनलाल सीतलवाड़ और जगत नारायण ही थे जिन्होंने इस रिपोर्ट को कमज़ोर करने में सबसे बड़ा योगदान दिया। फिर इन्होंने अपनी अलग रिपोर्ट बनाई, इन्होंने अपनी अलग रिपोर्ट बनाई। इनकी रिपोर्ट का फोटो ये है। इन्होंने रिपोर्ट में, मैं बेसिकली अगर मैं संक्षिप्त शब्दों में कहूँ तो सिर्फ यही बात करी कि गलत तो था, नहीं सॉरी, इन्होंने यही बात करी कि कानून की सीमाओं से परे कार्य था लेकिन ज़रूरी था। मतलब मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो अंग्रेजी रिपोर्ट जो आई उन्होंने कहा कि डायर ने किया वो ठीक किया, कोई गलत कुछ भी नहीं किया। और भारतीयों ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें उन्होंने डायर को बेसिकली, स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियसली उन्होंने गलत ठहराया था, तो इसका सवाल नहीं बनता, आप अपने स्तर पर लिख सकते हो इसको। 28 मई 1920 को अंतर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आगे देखिए, अंग्रेज सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट में डायर की कृत्य को उचित बताया। वहीं भारतीय सदस्यों ने अनुचित बताया, और ये स्वाभाविक सी बात भी है, अनुचित बताया। दोनों को अपने अपने पक्ष की ओर था मामला, अनुचित बताया। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इस दौरान सरकार ने क्या किया, जनरल डायर को पद से हटा दिया, पदच्युत किया, मगर सजा देने की बजाय पुरस्कार स्वरूप, हालत ये है कि पुरस्कार लिखना भी मैं तो भूल गया हूँ, पुरस्कार स्वरूप शॉर्ड ऑफ ऑनर ऑनर या मान की तलवार दी गई। शॉर्ड ऑफ ऑनर क्या होता है विद्यार्थियों, जैसे पैरामिलिट्री है, इंडियन आर्मी है, पुलिस विभाग है, जो बेल्ट बंद नौकरियां हैं, यहाँ पे जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के बाद में विभिन्न सारे इवेंट होते हैं, दौड़ का भी इवेंट होता है, निशानेबाजी का इवेंट होता है, बहुत सारे इवेंट होते हैं। इन सारे इवेंट्स में जिसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहता है उसको शॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और जब उनका पासिंग आउट परेड होती है, POP होती है, उस दिन उनको यहाँ पर वो तलवार पहनाई जाती है, शॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और उसका नाम अंकित कर लिया जाता है। शॉर्ड ऑफ ऑनर का मतलब होता है उत्कृष्ट अधिकारी उसका। तो ब्रिटिश सरकार ने पुरस्कार के स्वरूप में उसको शॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। आप शॉर्ड ऑफ ऑनर का मतलब समझ सकते हो कि एक प्रकार से बेस्ट अधिकारी का दर्जा दिया जनरल डायर को। ठीक है, जब सजा देनी चाहिए थी वहाँ पर इसने शॉर्ड ऑफ ऑनर दिया, और साथ साथ में पाउंड का इनाम भी दिया। और एक अखबार था मॉर्निंग पोस्ट, जो कि भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलता था, मॉर्निंग पोस्ट ने चंदा इकट्ठा किया जनरल डायर के लिए 30,000 के आसपास है, वो 30,000 पाउंड के आसपास चंदा संग्रहित किया। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड के अंदर इस व्यक्ति का सम्मान ही हुआ, इंग्लैंड में इस व्यक्ति को एक प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं हुई, सभी ने इसको सराहा ही था एक प्रकार से, किसी ने भी कोई आलोचना नहीं की थी।
ठीक है, 1927 में फिर अपनी जो है वो बीमारियों से मर गया, ठीक है, मैं मर गया, और 40 में एक को दूसरे वाले को मार दिया गया। ये तो बात हो गई इसकी, किस कमेटी की, हंटर समिति की बात हो गई, ठीक है, ये हंटर की अध्यक्षता में वगैरह वगैरह, ये हंटर कमेटी है, याद रखना इसको। हंटर समिति, डिसऑर्डर ऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। अब देखिए मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा और इस समिति पर आऊंगा। मैंने कहा ना कांग्रेस ने भी एक सामने समिति गठित की कुछ मुद्दों पर जब मतभेद उत्पन्न हुए उसको लेकर, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, चौदह नवंबर 1919 को कांग्रेस ने इन्वेस्टिगेशन या यूं कहिए कि तहकीकात या यूं कहिए कि जांच समिति गठित की। वो कारण मैंने बताया ना आपको, चित्तरंजन दास वहाँ गए थे लेकिन बात मानी नहीं कि भाई कांग्रेस के नेताओं को रिहा करो, तो उन्होंने अंडर कमेटी का बहिष्कार कर दिया था, तो उन्होंने अपने स्तर पर काम किया, जांच समिति का गठन किया, गठन किया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन लोग थे ये देखिए आप, सबसे पहली चीज इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे मदन मोहन मालवीय को, मालवीय क्या बने अध्यक्ष, मगर हुआ यूं कि मदन मोहन मालवीय आगे जाके कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन के 1919 में शायद, तो अध्यक्ष बने तो फिर मदन मोहन मालवीय ने इस पद से इस्तीफा दे दिया, और इस पद से इस्तीफा देने के बाद में दूसरे सीनियर व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू, तो इनके बाद में अध्यक्ष कौन बने, मोतीलाल नेहरू। और जब इन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार करी थी तो उस रिपोर्ट के ऊपर हस्ताक्षर मोतीलाल नेहरू के थे, और मोतीलाल नेहरू ने प्रेजेंट करी थी क्योंकि उस समय मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष नहीं थे, इसीलिए आपके सामने होगा, देखिए ऑनरेबल पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये एडिशनल मेंबर थे यूनाइटेड प्रोविजन्स लेजिस्लेचर काउंसिल एंड एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट पंजाब सब कमेटी इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक चीज़ और भी ध्यान रखना, इससे इस समिति को तहकीकात समिति के साथ साथ में इसे है वो पंजाब सब कमेटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम है वो पंजाब सब कमेटी भी कहते हैं, पंजाब उप समिति भी कहते हैं, ठीक है, उप समिति भी कहते हैं। तो देखिए एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट मतलब पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष का मतलब ये होगा कि अपने आप में है वो जो व्यक्ति एडिशनल मेंबर था उसको सीधा, कोई किसी पद पे होता है ना ऑलरेडी तो उस पद को कई बार जैसे कहते हैं कि भाई हमारे कई सारे ऐसे पद हैं ना कि भाई जैसे प्रधानमंत्री है तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सीधा ही वो अध्यक्ष हो जाता है, तो वो पदेन अध्यक्ष कहलाता है। हमारे राज्यसभा के सभापति देख लो, तो उपराष्ट्रपति पदेन उसका सभापति होता है, ठीक है, तो एक पद पे आते अपने आप ही वो होता है, जैसे उसका जो भीमराव अम्बेडकर वाला मामला प्रारूप समिति वाला, तो वो कानून मंत्री पदे नहीं हो जाता था, सीधा ही उधर हो जाता था, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने, मगर मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने मगर इस्तीफा दिए जाने के बाद रिपोर्ट पर किसके हस्ताक्षर है, मोतीलाल नेहरू के, के बाद एमएल नेहरू पदेन अध्यक्ष बने, पदेन अध्यक्ष बने। बाकी रामायण छोड़िए, अब इतना याद रखना, पहले मदन मोहन मालवीय थे और बाद में मोतीलाल नेहरू बने, और जब कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो उस समय मदन मोहन मालवीय थे। इस कमेटी को पंजाब उप समिति भी हम बोलते हैं, ठीक है, ये ऑनरेबल, ठीक है। देखिए
ये थे द ऑनरेबल पंडित मदन मोहन मालवीय, एडिशनल मेंबर एमपीटी लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट पंजाब सब। तो दोनों के नाम है, देखो दोनों के नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये कहोगे पहले किसको बनाया था, मदन मोहन मालवीय को, और उसके बाद में फिर किसको बनाया गया, तो फिर बनाया गया था इसको एमएल नेहरू को। मदन मोहन मालवीय जो थे वो आपके जो केंद्रीय जो परिषद थी उसके सदस्य थे, और मोतीलाल नेहरू जो आपके उत्तरी प्रांत के सदस्य थे, ठीक है, दोनों एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट हो गए। ये तो बात हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षाओं में गलत करवा के उत्तर चला जाता है, ठीक है। तो पहले अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय, दूसरे बाद में मोतीलाल नेहरू। अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो अन्य सदस्यों में ये सारे नाम हैं, महात्मा गांधी थे और सी आर दास थे, अब्बास जी तैयब जी थे, और एक आपके एम आर जयकर थे। वैसे जयकर को इसलिए लिया गया था, और ये के संथानम ये इसके सचिव थे, जयकर को इसलिए लिया गया था कि उस समय आपके फजल उल हक थे, और फजल उल हक ने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके स्थान पर किसको लिया गया था, जयकर को लिया गया था। इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं सदस्यों के नाम इधर लिख लेता हूँ, अगर किसी को नहीं दिख रहे हैं ना तो समस्या नहीं आएगी। इसमें सदस्य कौन कौन थे, सदस्य में आपके महात्मा गांधी जी सदस्य थे, और इसके अलावा चित्तरंजन दास सदस्य थे, इसके अलावा इसमें आपके अब्बास जी तैयब जी थे, ये अब्बास जी तैयब जी आगे आएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद में यही व्यक्ति इसका नेतृत्व करने वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब्बास जी तैयब जी के अलावा फजल उल हक थे, या सॉरी एम जयकर, और इन्होंने किसका स्थान लिया था, फजल उल हक का स्थान लिया था, फजल उल हक का स्थान लिया था, ठीक है। गांधी, दास, तैयब जी, एम जयकर और के संथानम इस समिति के क्या थे, सचिव थे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ये सारे के सारे इसके सदस्य थे, और डेफिनेटली इनकी रिपोर्ट में कंडेम किया जाएगा उसको, और इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो आपके यूँ कह सकते हो आप कि ब्रिटिश सरकार का एक प्रकार से आलोचना की गई थी, घटना की निंदा की गई थी, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आज का यहाँ पे पूरा हो जाता है। इस रिपोर्ट के बारे में गांधी जी का एक स्टेटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पन्ने दर पन्ने निर्लज लीपा पोती की गई थी। गांधी जी लिखते बड़ा अच्छा था इसमें, कि क्या लिखा, इसको मैं कहाँ सेट करूँ, मैं इसको पीछे ले लेता हूँ, जगह पड़ी है ना, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम। क्या लिखा है कि पन्ने दर पन्ने निर्लज, मतलब बड़ी बेशर्मी से लीपा पोती की गई थी, लीपा पोती की गई थी। गांधी जी ने कहा था इस हंटर रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो ये आप पॉइंट है वो नोट कर लेना। तो ये सारी बातें होगी विद्यार्थियों आज हमारी पूरी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।